अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हो सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ से हम सब भी अच्छे से हैं। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था और ट्यूसडे के दिन, और ये सुबह की मेरी तैयारी चल रही थी। मैंने बनाई थी इडली और चटनी, और हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए तुरई और रोटी बनाई थी। उसके बाद जो है मुझे जाना था बाहर। एक्चुअली 2 दिन से सर ने इतनी गड़बड़ हो रही है कि कुछ सुधर नहीं रहा है, और मैं निकल चुकी थी कैंप जाने के लिए। मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, अर्जेंट काम था, जो मुझे ट्यूसडे के दिन ही करना था। मैं निगलेट यानी उसको डिले नहीं कर सकती थी। मैंने क्या किया कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया, और मैंने घर का अल्हम्दुलिल्लाह लगभग पूरा काम A to Z कर दिया था। जो भी है अपने बर्तन वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब हो चुका था, और हम लोग निकल चुके थे क्या जाने के लिए। चलो उतरो, मैं चाय भी ले लिया मैंने। चलो निकालो गाड़ी जल्दी से। और मैं एक्चुअली क्या हो गया, मैं आके गई थी पुल गेट पर, मुझे एक काम था, इसके लिए मैं वापस गई और मैं रिटर्न आ रही थी। तो सोचा आप लोगों को एक व्यू दिखा दूँ। माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी लगती है वहाँ पे, है वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह सब है, बट आप लोग देख सकते हैं कि इतना अच्छा, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई ये सब वीडियो शूट करने से। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने वहाँ पे बहुत टाइम बिताया मेरे शादी के बाद में, आई थिंक 7 से 8 साल मैंने गुजारे हैं वहाँ पे। तो ये ना एक अलग ही फीलिंग है, जो ये इतना हरा भरा सब दिख रहा है आसपास, ये कुछ अलग ही फीलिंग है। ऐसे हमको शायद रेयर कहीं देखने मिलता है। सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप निकालती हूँ। उसके बाद बहुत मना करने पर भी वो लोगों ने मुझे खाना, मतलब बहुत फोर्स कर रहे थे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। और बहुत अच्छी दाल बनाई थी जेठानी ने मेरे, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आई। थोड़ा सा खा के जो है, मुझे एक्चुअली हुआ क्या था कि नाश्ता वगैरह भी थोड़ा हैवी मैंने किया था, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, तो उसके लिए इतना तो नहीं खाया जाएगा। और टाइम जो है अब चेंज हो गया है, जब बच्चे आते हैं तब मैं प्रॉपर उनके साथ खाना खाती हूँ, हालांकि लेट बहुत होता है बट चल जाता है। उसके बाद मैं निकल चुकी थी कोंडवार रिटर्न जाने के लिए। एंड बैक टू द होम, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज मैंने इडली बनाई थी सुबह, और जब भी मैं इडली का बैटर भिगाती हूँ, पीसती हूँ, तो मैं ज़्यादा करती हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट दोनों तीनों टाइम हो जाए। तो सुबह इडली चटनी वगैरह हम सब ने खा ली थी। अब मुझे बनाने थे डोसे, बट हुआ यूँ कि इतनी गड़बड़ थी कि मैं आलू की चटनी बनाना मुझे पॉसिबल नहीं था, तो मैंने दिमाग लगाया चलो उत्तपम और सांभर खाते हैं। तो ये मैंने उत्तपम का जो भी है मटेरियल वो रेडी करके रख दिया। एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो गया, अभी 3:30 हो चुके हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और यहाँ पे मेरी चाय की, बिकॉज बहुत बारिश था बाहर और मैं भीग भी गई हूँ, यहाँ पे मैंने सांभर चढ़ा दिया, बच्चे आने तक हो जाएगा। आज गड़बड़ में मैंने तेल नहीं डाला है दाल में, तो पूरा बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लगभग अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। एक्चुअली हुआ यह है कि मैंने आज जो इडली का बैटर भिगाया है, तो इसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई आने के बाद। मैं गई थी बाहर थोड़ा काम से, मुझे अर्जेंट काम था, वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मेरा बाहर जाना भी ज़रूरी थी, इसके लिए मैं निकल गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी तो देर सवेर हो जाती है, इट्स ओके। चाय तो पीऊँगी मैं, क्योंकि चाय मुझे चाहिए ही चाहिए, चाय के बिना तो नहीं हो सकता। कप रेडी, चाय बन रही है, बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं खाना जो है थोड़ा खा के आ गई हूँ, अब मुझे मन नहीं है खाना खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगी इंशाल्लाह भी। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या शूट करती हूँ। और ये चाय रेडी हो चुकी है मेरी। एक्चुअली 4 बजने आए हैं आज, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कुछ काम था इसके लिए मुझे लेट हो गया। ये देखिए 4 o'clock, और मैं सुबह 9 बजे से घर में से निकली हूँ, और अब मैं पीऊँगी चाय। मेरा खाना हो चुका है, पूरा सर वगैरह भीग गया था, जैकेट पहना था बट नहीं उतना
सर कवर नहीं होता है इतना। तो चलिए चाय एंजॉय करती हूँ। सांभर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, उत्तपम की तैयारी हो गई। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कुछ भी बना के छोड़ दो, फिर नहीं लगा, नहीं बच्चे इतना थक के आते, उनको अगर प्रॉपर खाना मिलेगा ना तो उनके लिए भी अच्छा होता है और उनका मूड भी अच्छा रहता है। इसके लिए थोड़ी सी कोशिश की कि जल्दी जल्दी कुछ तो बना लो, तो बना दिया। सांभर हो रहा है डायरेक्ट, सब डाल के मैंने पका दिया है उसको। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने आने के बाद जो उत्तपे बनाए थे और भाजी भी है और वो भी था, तो मैंने थोड़े राइस बना दिए। अब मैं जो है आटा गूंथ के रख दूंगी और सुबह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी है तो मैं बनाऊंगी आमरसर पूरी। अब सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर हुआ तो ज़रूर करूँगी, नहीं तो अल्लाह मालिक है, इतना कुछ ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये जाएगी अल्लाह। तो चलिए अब आटा गूंथते हैं सबसे पहले। और मैंने जो है आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सबका अलग अलग वे होता होगा आटा गूंथने का। मैं गूंथती हूँ इस थाले में, हमेशा से आप लोगों ने देखा होगा, बट मुझे पता है कि आटा वो गेंडी आती है ना बड़ी स्टील वाली, आई होप बहुत से लोगों को पता होगा, मुझे उसमें आटा गूंथना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं हमेशा सोचती कि मैं वो लूँगी लूँगी लूँगी, बट ऐसा कुछ हो जाता है या तो मैं भूल जाती हूँ या मेरे से पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे होता रहता है। बट इट्स ओके, कभी ना कभी तो लूँगी। तो चलिए, ये आटा एकदम रेडी हो चुका है मेरा। अच्छा, ये एडिटिंग था, ठीक है। ये आटा रेडी हो चुका है, इसको जो है एक डब्बे में प्लास्टिक के इसमें डाल के रखूँगी तो वो अच्छे से फ्रेश रहता है। आई एम बैक टू द किचन। जो मेरा रूटीन है, कल मैं भूल गई थी, एक्चुअली मैं भूलने गई थी, मेरा खाना लेट हुआ था, इसके लिए मैंने नहीं पिया कल गर्म पानी। अब मैं पीऊँगी, ट्राई कर रही हूँ रोज़, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है एक्चुअली में। इसके लिए इसको कर दूंगी गरम। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि ये काली होती है अंडिया जब मैं पानी गरम करती हूँ, तो इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। तो एक ने मुझे रिप्लाई किया था कि स्टील की हंडी यूज़ कीजिए, अच्छा आइडिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्टील की हंडियाँ है नहीं छोटी, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इंशाल्लाह अब ट्राई करूँगी स्टील की अंडी लेकर आने का, ये इसे पानी बॉईल करना हो या अंडे बॉईल करना हो कुछ भी हो, क्योंकि मतलब पहले यूज़ करती थी बट वो जल जाती है, कुछ दूसरा बनाओ, चाय बनाओ, दूध की चाय बनाओ तो जल जाती है। इसके लिए मैंने छोड़ दी थी स्टील की अंडियाँ यूज़ करनी, बट अब इंशाल्लाह सिर्फ ये दो तीन चीज़ों के लिए मैं लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर योर सजेशन। तो चलिए, गर्म हो रहा है पानी, अब हम लेंगे अपना पानी। कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया पानी, चलिए कोई बात नहीं, इसे हम खाली कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, इतने जल्दी नहीं पीऊँगी। ठीक है, तो चलिए बस आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। ट्राई कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।